आप जर्मनी, स्वीडन, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे भेज रहे हैं, पूरी जी, दुनिया में भेज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। अब ये बताइए कि कैसे, सबसे पहले तो ये कि कहाँ, कौन से स्टेप पे आप हों तो आप मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे कि कौन सा मुल्क बेहतर है, ये कैसे पता चलता है या आप कैसे गाइड करते हैं लोगों को। बेसिकली जो मिनिमम एजुकेशन है पाकिस्तान से, ओ लेवल्स या FSC या DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किसी भी स्टूडेंट के पास हो वो एलिजिबल है आला तालीम के लिए। ठीक है, ये बेसिक है। अब बेसिक चीज़ों को देखने के बाद कौन सी कंट्री, कौन सी डेस्टिनेशन, तो मेरे ख्याल में तालीम इट्सेल्फ एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई बच्चा बच्ची हासिल करे तो वो ख़ुद एक सितारा बन जाता है। हमें अपना शॉर्ट साइटेड नहीं पाकिस्तान से जाके सोचना चाहिए कि मैं इस कंट्री में इसलिए जा रहा हूँ कि मैं नेशनैलिटी ले लूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छी तालीम को देखना चाहिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, और डिपेंड करता है कि बंदे का बजट क्या है। पाकिस्तान में चूंकि इस इकोनॉमिक कंडीशन में, इस इकोनॉमिक सिचुएशन में और जहां ये हमारे हालात हैं, बजट एक मेजर कोर इशू होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। यूरोप आजकल बहुत आया हुआ है कि जी यूरोप में फ्री तालीम है, यूरोप में मौके बड़े हैं, लेकिन यूरोप में अगर देखा जाए नॉर्वे, जर्मनी, ये ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड करते हैं। मीन यू सपोज टू डिपॉजिट मीन लाइक 11,400 और 12,500 यूरोस। ये कितना होता है पाकिस्तान में? लाइक 30-40 लाख। ये पहले ही कहते हैं कि आप हमें जमा डिपॉजिट करें, ये वो क्या किसी गारंटी के तहत लेते हैं? यस, मीन बच्चे के ही बैंक अकाउंट में होते हैं। जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो बच्चे का अकाउंट पाकिस्तान से खुल जाता है वहाँ के बैंक में, तो वो बैंक में पैसे चले जाते हैं और बच्चा जनाब उसकी बुनियाद पर वो उनको मंथली बच्चे को देते रहते हैं। अच्छा, और सबसे अगर यूरोप, आप खुद क्या प्रेफर करते हैं बच्चों को कि उन्हें कौन से ममालिक बेहतर हैं? देखें उसकी दो तीन वजूहत हैं, तो मईशत अपनी जगह पे कि पैसे कम लगें, लेकिन साथ में ये भी है कि कहीं पे नस्ल परस्ती का भी सामना होता है। जी जी, कहीं पे ये है कि हमारे कल्चर वाले वहाँ पे जाके बड़ी जल्दी उनके साथ घुल मिल जाएं। बिल्कुल, तो आप पाकिस्तान को देखते हुए किन ममालिक की तरफ रेफर करते हैं? फारूक भाई, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज राइट नाउ आर द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज के चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ लैंग्वेज का चैलेंज नहीं होता, लैंग्वेज के साथ कई और चीज़ें भी ऐसी आ जाती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, कल्चरल चेंजेस। ठीक है, कम अज़ कम क्योंकि जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तानी, इंडियंस और हमारे GCC वाले जो सऊदी दुबई वाले लोग, ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको एक कल्चर मिल जाता है, आपको ईजी मीन गो मिल जाता है। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया वेरी गुड विद उर्दू एंड हिंदी, मीन दिस इज बोथ आर सेम, तो इनको इतनी मुश्किल का नहीं चैलेंज। लेकिन वो जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिए, IT के लिए या स्पेसिफिक बायोटेक में, उनके लिए यूरोप बहुत अच्छा है। ठीक है, उनके लिए क्यों अच्छा है कि इन कंट्रीज में मास्टर्स की एजुकेशन फ्री है। ओके, मास्टर्स की एजुकेशन फ्री है, तो बच्चा FSC वाला और बच्चा BSc वाला, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो BSc बच्चा कर चुका होता है पाकिस्तान से, वो बहुत मेच्योर होता है, वो यूरोप जैसे कल्चर में इजीली सर्वाइव कर जाता है। एक बात, दूसरी बात, मास्टर्स पूरे यूरोप में इंग्लिश में, बट बैचलर्स यूरोप में उनकी नेटिव लैंग्वेज में, मसलन नॉर्वे में है तो नॉर्वेजियन, जर्मनी में जर्मन, मीन डॉयश। ओके, अगर इसी तरह आप एम्स्टरडेम साइट पे आते हैं तो उधर भी डॉयश चाहिए, ऑस्ट्रियन चाहिए, इटालिया चाहिए, फिनिश चाहिए। मीन इट्स डिफ़िकल्ट कि आपको वो लैंग्वेज के अलावा आप जाएँ। ठीक है, चंद यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाता है, ओके, आपको इंग्लिश में मिल जाता है, लेकिन फिर भी बैचलर्स लेवल बच्चे के लिए बेहतर है। बैचलर्स के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए का इंतखाब करें आफ्टर ओ लेवल्स और आफ्टर ए लेवल्स। और दूसरा, मास्टर्स के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, बिकॉज आपको यूरोप रिसर्च में सबसे ज़्यादा दुनिया में फाइनेंस करता है रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए। अब जब मास्टर्स आप रिसर्च के साथ करते हैं, जो एक और बेस्ट चीज़ है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट को लाजमी पता होनी चाहिए कि PhD इज़ अ जॉब इन यूरोप। अच्छा, दे विल पे यू ड्यूरिंग द PhD, यानी PhD में आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। यस, और पैसे भी मिलेंगे। पैसे भी मिलेंगे।
ठीक है, और यूरोप के बहुत और से फैक्टर्स हैं। सो मास्टर्स स्टूडेंट को एटलीस्ट अपने सीवी के मुताबिक अपने आप को प्रॉपर एवेल्यूएशन चाहिए, रेदर देन नॉर्मली कंसल्टेंसी में होता है कहता है जी आप इधर चले जाए, बस इधर चले जाए, जो जो जिस यूनिवर्सिटी को डील कर रहा होता है वो उस यूनिवर्सिटी कंपेल कर रहा है वहीं पे भेज देता है, वहीं पे भेज। आप क्या करते हैं, यानी आप क्या चीज़ मंगवाते हैं, किससे तय करते हैं और फिर उनको गाइड करते हैं? इसमें सिर्फ अल्लाह की मेरे पे रहमत है, आई ट्रेवल्ड ग्लोबली, आई मीन मैं खुद यूरोप में अल्लाह का शुक्र तालीम हासिल कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले बच्चे का प्रोफाइल सीवी देखता हूँ, फिर उसके मुताबिक उसको गाइड करता हूँ। अगर वो उसके लिए समझता है कि उसके लिए फीजेबल है, देन वी विल गाइड। और अल्लाह का शुक्र, आई मीन मेरे स्टूडेंट्स फुलब्राइट, एरास्मस, दैद, शेवरन। फुलब्राइट आपका अमेरिकन स्कॉलरशिप है, दैद आपका जर्मनी का स्कॉलरशिप है, शेवरन आपका ब्रिटेन स्कॉलरशिप है, एरास्मस पूरे यूरोप का स्कॉलरशिप है। इसमें मेरे ने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स भेजे हैं पाकिस्तान के। नहीं तो इसमें ये स्कॉलरशिप करने के लिए आपकी क्या काबिलियत है? बेसिकली मेरी काबिलियत ये है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे। नहीं अब जिस तरह ये एरास्मस है ये यूरोप की, यूरोप का है, तो ये सारी जो स्कॉलरशिप है ये कौन कौन हासिल कर सकते हैं, कौन से बच्चे? वो तमाम स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं आफ्टर फोर ईयर बीएस। और इस स्कॉलरशिप के क्या है, ये फुल स्कॉलरशिप होती है? इसमें फुल स्कॉलरशिप क्या क्या मतलब? मीन दे विल प्रोवाइड यू द फ्री एजुकेशन नंबर वन, फ्री रेजिडेंस नंबर टू, नंबर थ्री दे विल पे यू लाइक 1000 यूरो, 900 टू 1000 यूरो। यानी आपको पढ़ाएंगे भी आपको रेजिडेंस भी फ्री दे रहे हैं और आपको साथ पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। इवन इन सम स्कॉलरशिप्स दे विल पे यू द एयर टिकट्स, यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन द यूरोप एंड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूरोप, वापस जाना है तो उसके भी पैसे देंगे। एग्जैक्टली। ओहो, तो ये को बहुत ज्यादा बच्चे को ब्राइट होना चाहिए इसके लिए, इन स्कॉलरशिप्स लेने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे को अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स ये नहीं है कि लाहौर का या कराची का या इस्लामाबाद का बच्चा जाएगा। बच्चे को अवेयरनेस, बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है और उस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है। मसलन इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास आइल्स बहुत अच्छा होना चाहिए या पीटी या टॉइफल का टेस्ट, ठीक है। नंबर टू जीआरई, हमारे इस जेनरेशन को जीआरई और जीमैट के बारे में इतनी अच्छी अवेयरनेस नहीं है। क्या है जीआरई? जीआरई इज अ एग्जाम इन विच लॉजिक, इंग्लिश एंड मैथ इज देयर। जीआरई इज अ बेस्ट टेस्ट टू एवेल्यूएट योर आईक्यू लेवल। समटाइम यू हैव 60-70% और योर जीपी इज लाइक 3, ओके। उसमें वो ये देखते हैं कि जीपी या आपकी परसेंटेज नहीं मैटर करती कि आप कितने गुड आईक्यू के मालिक हो। समटाइम्स स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, वो इतना नॉर्मल पढ़ता जाता है, अपनी डिग्री करता जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल आईक्यू का मालिक होता है। तो जीआरई आपके आईक्यू को एवेल्यूएट करती है। इंडियंस क्यों हम पे ले जाते हैं वो बाजी? वो सिर्फ इसलिए बाजी ले जाते हैं कि उनका हर दूसरा बच्चा जीआरई करता है एंड दे आर वेरी गुड विद इंग्लिश। और हम खुद हम तो जीआरई तो दूर दूर की बात, में जो 21 साल हो गए हैं, मैंने सिर्फ 10% लोगों को देखा जो जीआरई करते हैं। मोस्टली जो हैं वो नहीं करते। अच्छा और मज़े की बात है, जीआरई से डरते क्यों? अवेयरनेस नहीं है बच्चों। अच्छा पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं। मैंने क्या पाकिस्तान में काम किया है, इंडियन कंपनी के साथ मिल के एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है जो बच्चों को डिजिटली एंगेज करेगा, जीआरई में हेल्प करेगा, सेट में हेल्प करेगा, टोएफल में हेल्प करेगा, पीटीई में हेल्प करेगा और उसके अलावा और भी इस तरह के प्रोग्राम ओईटी जो डॉक्टर और मेडिकल के लिए, उनको रियल टाइम प्लेटफॉर्म देता है। मीन जीआरई का एग्ज़ाम एक बच्चा देता है, उसको डर होता है मैं फेल हो जाऊँगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। बच्चा हमसे वो सॉफ्टवेयर परचेज करता है और रियल टाइम एग्ज़ाम देता है। अब आप देखें बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसको फाइनल टेस्ट होता है। फरुक साहब एक मुझे बात बताएं, क्या इंग्लिश भी पढ़ने की ज़रूरत है एक बच्चे को जिसने बीएस की हुई है? क्या वो ग्रामर सीखेगा? क्या वो वोकैब सीखेगा? नहीं, उसको रियल टाइम एग्ज़ाम चाहिए। अगर आप गौर करें आइल्स, पीटी, टोएफल, ये भी एक किस्म के आईक्यू टेस्ट हैं। आईक्यू टेस्ट, हाउ मच यू आर गुड कि ये इंग्लिश, यस, हाउ मच यू आर गुड इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम। टाइम टिक 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 जब चल रहा होता है, ठीक ठाक बंदे की भी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है, उसको आती भी इंग्लिश भी रुखसत हो जाती है। नहीं, एक अरसे तक तो मैं भी ये समझता था कि जो आइल्स है ना, ये आपकी इंग्लिश की काबिलियत को ज़्यादा जांचा जा रहा है, जांचा ही जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर आप कैसा, ये फलां को आपने किस तरह से देखा, इस सवाल को आपने कैसे देखा, उसका आंसर कैसे किया, टाइमली किया, और टाइम का प्रेशर आप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा।